फ्रेंड्स, योगेंद्र शर्मा अगेन वेलकम्स यू इन माय चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपको परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनको, उनके जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं उनको बताने जा रहा हूँ। अर्लियर वीडियोस में मैंने आपको सारे रूल्स, जनरल रूल्स पढ़ा दिए हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी पैसिव में हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, हैज बीन और हैव बीन। तो जैसे हैज हैव का यूज होता है उसी प्रकार से हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है। फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पर कि हैज बीन का यूज कहाँ होता है, ही सी इट और सिंगुलर के साथ, और हैव बीन का आई वी यू दे और प्लूरल नंबर्स के साथ। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट जिसकी ओनली हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन, और क्योंकि ओनली है तो इसका मतलब ऑल सब्जेक्ट्स के साथ इसका यूज होना है। तीसरी बात, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव में हो जाती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो जैसे शैल विल के साथ यूज होता है, ऐसे ही शैल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ यूज होता है सब्जेक्ट्स का। तो कहने का मतलब है कि आई और वी का यूज, शैल हैव बीन का यूज किसके साथ होता है, आई और वी के साथ, एंड अदर्स के साथ विल हैव बीन का यूज होता है। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ फिर लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई होगा, और फिर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा होती है पैसिव वॉइस में, चाहे वो कोई सा भी टेंस है। अब एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है आपका, ही हैज कंप्लीटेड हिज रिटन वर्क। एफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो सबसे पहले इसको, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया हिज रिटन वर्क, क्योंकि सिंगुलर नंबर का है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आई, हैज बीन, हिज रिटन वर्क हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, बहुत ही एक कोइंसिडेंस है कि कितना बढ़िया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो फॉर्म यहाँ है वही यहाँ लिख देंगे। तो हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और ही को किस में चेंज कर दिया हमने, हिम में चेंज कर दिया, ठीक है। और यदि ये सेंटेंस हमें नेगेटिव, यहाँ पर देखिए हेड होता तो यहाँ पर हैड बीन हो जाता, हाँ, यदि यहाँ पर विल हैव होता तो यहाँ पर विल हैव बीन हो जाता। तो बस सेम चीज़ है, केवल करना क्या है हमें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है। अब मान लो ये सेंटेंस हमको नेगेटिव बनाना हो, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनके बीच में नॉट लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं नॉट, इनके बीच में यहाँ पर नॉट लगाते हैं, यहाँ सेल और विल के बाद लगाते हैं नॉट, ठीक है। तो हिज रिटन वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई हिम, हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाई हिम, यदि नेगेटिव होता है तो। इसके बाद में इंटरोगेटिव देखते हैं, और इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, और फर्स्ट टाइप में क्या होगा, हैड यू सोल्ड योर कार बिफोर माई अराइवल। देखिए ये बिफोर से हमने बिफोर वाला भी बता दिया इसमें, लेकिन ये इतना भी हो सकता था, लेकिन दोनों तरीके से आप समझ लीजिए कि पहले हेड आ जाएगा, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आया सब्जेक्ट का बन करके, हाँ ऑब्जेक्ट का बन करके सब्जेक्ट आया यहाँ पर, हैड योर कार, फिर उसके बाद में बीन। यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब इंटीग्रेटेड हो, कहने का मतलब कंबाइंड हो, तो क्या होगा कि एक हिस्सा पहले होता है और एक हिस्सा सब्जेक्ट के बाद होता है। तो हैड योर कार, उसके बाद में बीन, और फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और इस यू को यू में ही चेंज रहने देंगे, बिफोर माई अराइवल। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बिफोर माई अराइवल को बाई से पहले लगा सकते हैं, हैड योर कार बीन सोल्ड बिफोर माई अराइवल बाई यू, दोनों तरीके से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी बनाइए। उसके बाद में सेकेंड टाइप में आपको पता है कि ये क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाता है, फिर भी हमने एग्जाम्पल दिया है, वेयर विल सी हैव बॉट ए हाउस बिफोर फेब्रुअरी। हाँ, तो क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड, उस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब, विल न्यू सब्जेक्ट ए हाउस के अनुसार, तो वेयर विल ए हाउस, उसके बाद में फिर हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी आई, बॉट बाई हर बिफोर फेब्रुअरी। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको पैसिव वॉइस मैंने आपको ये बताई, और मैं इस बात को समझता हूँ और इस बात को मानता भी हूँ कि आपकी समझ में ये निश्चित तौर पर आए होंगे। थैंक यू।